जब फातिमा का लाल वतन से जुदा हुआ, वतन से जुदा हुआ बेशक, ऐसा लगा के फूल चमन से जुदा हुआ, जिस दम सारे हुसैन बदन से जुदा हुआ, तुर्बत रसूले पाक की थर्रा के रह गई, जिस दम सारे हुसैन बदन से जुदा हुआ। समाप्त फरमाएं, कलमा कुरान मजहबों काबा बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, जब करबला जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया, इस्लाम को जिंदा बचा लिया। बेशक जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। इसका फरमाएं, 1 2 3 4 वो कौन है दरी जामा पहन के आता है, रसूल पाक का साफा पहन के आता है, शहीद हो अली का सारा घराना पहन के आता है, नाना मदीना नाना मदीना हमसे छूट गया
तब से हमारा ये दिल टूट गया। पहला बंद पेश कर रहा मौजे सामाइन हजरत इमाम हुसैन रवाना होते हैं जब घर से वो नसीब सहने लगे रो के वो नाना से ये कहने लगे नाना मदीना से टूट गया नाना मदीना से टूट गया रब से हमारा ये दिल टूट गया रब से हजरत इमाम हुसैन आले मकाम सबसे पहले अपनी माँ हजरत बीबी फातिमा की तुर्बत पर जाते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, उनके बाद अपने भाई हजरत इमाम हसन आले मकाम की तुर्बत पर जाते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, उनके बाद अपने नाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रौजा अनवर पर हाजिर होते हैं, इजाजत लेते हुए अर्ज करते हैं कि नाना मदीना हमसे छूट गया। थे नमाजी और गाजी मर्द थे साथ थे मासूम बच्चे भी वहां हुसैन 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 साथ थे मासूम बच्चे भी वहां सैयद अली और थे पीरो जवान Oh,
हजरत इमाम हुसैन अली मकाम जब रवाना होते हैं तो आपकी बीमार बेटी हजरत सुगरा हजरत इमाम हुसैन अली मकाम से अर्ज करती है कि बाबा मुझे तनहा छोड़कर बच जाइए क्योंकि आप बीमार थी। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटी तुम बीमार हो, सफर दूर का है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। नाना के दीन पर आंच आई है, उसको बचाने के लिए जाना है। जब हजरत सुगरा ये बात सुनती है कि नाना के दीन को बचाने के लिए जाना है तो कुर्बान जाइए उन बेटियों पर, आप अर्ज करती है कि बाबा अगर दीन की बात है तो आप जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम काफला लेकर रवाना हो जाते हैं। आपकी बीमार बेटी हजरत सुगरा घर पे तन्हाई के आलम में रोती हुई रह जाती है। आगे समाज फरमाए, गूंज उठी हर तरफ से ये सदा, ऐ हुसैन बुने अली सद पर हबा, जानिबे कूफा चला ये काफला, आहनी था इनमें सबका हौसला, अल्लाह अकबर के नारे थे वहां, और चले कहते हुए ये मेहरबान, काफला लेकर चले शाहे जमां, सख्त और दुश्वार राहों से वहां, ये नवाजी गाजी इस्लाम थे, ये नमाज़े पढ़ते भी हर गांव थे, थे सभी सैयद सभी आले रसूल, थे शरीयत वाले सब इनके उसूल, ये चले कूफा तो देखा एक गुबार, आ रहा था उस तरफ से एक सवार, नामवर जब आ गया इनके करीब, बाअदब होकर वो आया बा नसीब, पूछा जब शाह ने फिर मुस्लिम का हाल, तो लगा कहने वो उनसे खुश खिसाल, हो गए कूफी मुखालिफ या इमाम, आपके अब कत्ल का है इल्तिजाम, हजरत मुस्लिम शहादत पा गए मुस्लिम शहादत पा गए, जुल्म जालिम देखो उन पे ढा गए, रब से हमारा ये दिल टूट गया, रब से हमारा ये से हमारा ये दिल टूट गया, के जाने से पहले हजरत मुस्लिम कूफा का हाल जानने के लिए जा चुके थे। ये भाई से भाई की मोहब्बत हजरत मुस्लिम ने अपने भाई इमाम हुसैन को नहीं जाने दिया, बल्कि खुद गए कि भाई जाकर मैं वहां का हाल देखता हूं।
उनके साथ में उनके दोनों बच्चे भी जा चुके थे। जब इमाम हुसैन कूफा के रास्ते में पहुंचते हैं तो रास्ते में एक सवार मिलते हैं जो कूफा से वापस आ रहे थे। हजरत इमाम हुसैन उन सवार से पूछते हैं कि बताओ मुस्लिम कैसे हैं। वो सवार अर्ज करते हैं कि ऐ हुसैन इब्ने अली, आप कूफा मत जाइए, वहां के लोग मुखालिफ हो चुके हैं, हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। वो सवार और क्या क्या अर्ज करते हैं ये मत पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। हो गए बच्चे भी अब उनके शहीद, सारे कूफी हो गए दुश्मन पलीद, लौट जाए काबे को मेरे हुसैन, इल्तिजा सुन लीजिए सहरा के चैन, सुन के फिर शाह मेरे रोने लगे, भाई के गम पे वो जान खोने लगे, ये मुजाहिद और बड़े जाबाज थे, एक दूजे के लिए दमसाज थे, अजब इनके आहदी फौलाद थे, मुश्किलों में रह के भी ये शाद थे, हर कदम उठता सदाकत के लिए, इनका हर लम्हा इबादत के लिए, इनकी आंखों में था कुदरत का जलाल और नबी का इनके चेहरों पर जमाल, इनके लब पे आयते कुरान थी, इनके दिल में आतिशे ईमान थी, आ गए वो राहे करबल जो मगल, हुर का लश्कर सामने आया नजर, हुर का लश्कर सामने आया नजर, हुर का लश्कर सामने आया नजर, जो यजीदी फौज के सरदार थे, लेकर करबला तक पहुंचने तक का है। हजरत इमाम हुसैन कूफा पहुंच जाते हैं, सामने हुर का लश्कर आता नजर आता है, वो हुर जो सरकारे दो आलम के चाहने वाले थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन यजीदी फौज के सरदार थे। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। फौज को समझा के वो आए करीब, बोले आका से यही वो खुश नसीब, आप वापस काबे को जाए इमाम, सब मुखालिफ है यहाँ फौजे तमाम, सुन के हजरत काफिला लेकर चले,
तीन रातों तक सफर करते रहे, सुबह होती खुद को पाते थे वही, पांव को लिपटी थी करबल की सभी, सूख के मिट्टी को हजरत ने कहा हाँ यही तो है ज़मीने करबला। उस जगह खेमे लगाए आपने, कुछ न मंसूबे बनाए आपने, सहने लगे सहने लगे हैं सिर्फ।